आज मैं आ चुका हूँ जर्मनी में टू मीट माई स्टूडेंट अंजलि वो इधर जर्मनी में आई थी हाउस बिल्डिंग करने के लिए लास्ट ईयर एक साल हाउस बिल्डिंग का खत्म हो चुका है ये जहाँ पर हाउस बिल्डिंग कर रही है इट्स अ होटल मैं एक साल से इधर होटल दायमान में काम कर रही हूँ अमृतपाल ए विजन की वजह से मुझे बहुत अच्छा चांस मिला है होटल डायमान में हाउस बिल्डिंग करने का होटल जो है वो फाइव स्टार होटल है ये जो ऊपर आप देख रहे हैं वो सारे रूम्स है और नीचे जो है वो हमारी आ, प्राइवेट शॉप्स है स्पेशल फॉर डायमंड्स और ये हमारा रिसेप्शन एरिया है सर्व होता है सो so गैस जैसे कि आपको अभी अंजलि ने बताया रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी वो जहाँ पर काम कर रही है डायमंड में Uh, श्मालनबर्ग में सो so अभी अंजलि आपको बहुत बेसिक चीज़ों का जवाब देने वाली है रिलेटेड टू हाउस बिल्डिंग में कितने पैसे आप बना सकते हो कितना पैसे कमा सकते हो कैसे रहना है क्या रेंट होता है कितने पैसे आपको पहले साल मिलेंगे कितना पैसे आपको दूसरे साल थर्ड ईयर में आपको कितना पेमेंट मिलेगा कितना पढ़ना है पढ़ाई वाला पार्ट कितना है काम करने वाला पार्ट कितना है और बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी ऐसे फाइव स्टार होटल है तो इनको दी है जैसे कार भी दी है कार आपको पार्किंग में ही इधर रखनी है बट यू कैन गो टू योर कॉलेज इन दैट कार इट्सल्फ़ और बहुत सारी चीजें हैं अंजलि से पूछेंगे उनका पूरा रिव्यू रिलेटेड टू वर्किंग हियर इन सो so, अंजलि अभी आप हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो फ्यूचर में हाउस बिल्डिंग के लिए आना चाहते हैं उनको सबसे पहले आप बताइए कि आपका वीजा कितने टाइम में आ चुका था जो मेरा वीजा था वो एक ही महीने में आ गया था और जैसे हमने प्रोसेस स्टार्ट किया सबमिशन कर दिया पेपर्स के सारे डॉक्यूमेंट्स के तो एक एक ही महीने में आ गया था मेरे हाथ में और अमृतपाल विजन के साथ आपका जो पूरा ड्यूरेशन था एक महीने का आप आए मेरे पास आपका पूरा वीज़ा प्रोसेस अपॉइंटमेंट वो कितना सीमलेस था वो भी मतलब ये जो मेरा केस था वो तो बहुत चैलेंजिंग था ही पर फिर भी हम पूरे कनेक्शन में रहे और आ, सारी डिटेल्स में रहे कि कैसे कितना कहाँ पे वर्क प्रोसेस कितना चालू है कितना मतलब बढ़ रहा है उस हिसाब से बहुत अच्छा रहा और मैं सीरियसली बहुत एक्साइटेड थी और जैसे ही वीजा आया तो वो स्पीचलेस ही मोमेंट था मेरे लिए ओके okay, सो so आपका ब्लॉक अकाउंट का जरूरत था बिल्डिंग में कि नहीं जैसे कि मैंने बोला कि हाउस बिल्डिंग थ्री इयर्स का होता है उसमें कोई भी ब्लॉक अकाउंट्स की कोई जरूरत नहीं है सिर्फ जर्मन लैंग्वेज एंड कंपनी थ्रू कॉन्ट्रैक्ट ओके जर्मन लैंग्वेज का आपका लेवल कौन सा था आज, आ, वैसे बेसिकली जर्मन लैंग्वेज में होटल मैनेजमेंट के लिए रिक्वायरमेंट बी वन तक है पर बेटर कि अगर आप बी टू कर लो तो इधर आपको गेस्ट से ये जो होटल मैनेजमेंट का जो लाइन है उसमें गेस्ट से रिलेटेड मतलब गेस्ट से ही हमें कम्युनिकेशन uh, ज़्यादा रहता है तो बेटर बी टू इज़ बेटर फॉर यू ओके एंड अमृतपाल विजन के जो जर्मन लैंग्वेज क्लासेस थे वो कैसे रहे थे वो भी बहुत अच्छे रहे थे बेस्ट क्लासेस एवर और इसमें uh, आप जो भी आपकी डिफ़िकल्टीज है और मिस्टेक्स हैं वो सारी सॉल्व भी हो जाएगी और प्रैक्टिस के लिए भी बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं जो वो प्रोवाइड करते हैं और जब तक अपने निकल नहीं जाते तब तक ये लोग वर्क करते ही रहते जब तक सॉल्व uh, नहीं हो जाती एग्जाम राइट right. और अभी आपकी जो स्पेशली सब बच्चों को ये सवाल होता है कि कितना पेमेंट मिलता है कितनी सैलरी मिलती है या yeah, श्योर sure. ये भी मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी जैसे कि मैंने बोला कि हाउस बिल्डिंग अपने थ्री इयर्स का होता है जो फर्स्ट ईयर में 1100 यूरो होता है सेकंड ईयर में 1200 सौ थर्ड ईयर में 1300 और जैसे कि यहाँ पे टैक्स देना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि कोई भी काम करता है तो उसको टैक्स जैसे कि हज़ार यूरो से ज़्यादा आपकी इनकम हो जर्मनी में तो आपको टैक्स देना ही होता है इधर तो जैसे कि नॉर्मली टैक्स होते हैं जो वन थर्टी यूरो होता है तो अपने हाथ में मतलब जो भी सब कुछ कट के सेवन हंड्रेड यूरो आप प्रो मंथ अन कर सकते हो और रेंट कितना है लेते हैं ये लोग और अम, रेंट में ऐसा है कि अ, ये लोग खुद के ही मतलब डायमंड के ही अपने घर घर है इधर चार पांच होटल के आजू बाजू में ही तो ये लोग खुद ही अगर ये लोग पूछेंगे कि आपको डायमंड की डायमंड में रहना है मतलब कि डायमंड के थ्रू रहना है कि अपने आप से आप घर ढूँढना चाहते हो आजू बाजू में ही कहीं अगर आप कहोगे कि नहीं मैं डायमंड के थ्रू ही रहना चाहती हूँ तो ये लोग अपने को एक मतलब पूरा घर प्रोवाइड करेंगे जहाँ पे हो सकता है कि आप अकेले भी रह सकते हो और मतलब गेमाइंगजाम वॉन शॉप मतलब इसमें ऐसा होता है कि एक चार लोग होते हैं जिसमें अपना प्राइवेट रूम होता है पर हॉल और किचन कॉमन होता है जो बेसिकली जर्मनी में है ही ऐसा पूरी बहुत जगह पर और रेंट कितना है रेंट अभी मेरा टू थर्टी यूरो है जो सबसे चीपेस्ट है जो जर्मनी में अगर आप होटल थ्रू रहोगे तो ये लोग को भी पता है कि आपकी हाउस बिल्डिंग की ये जो सैलरी है उतनी उस हिसाब से इन लोगों ने सेट किया है तो आपको सेविंग भी हो सकती है रह भी सकते हो इधर और अपनी लाइफ में एंजॉय कर सकते हो या ओके okay. और जैसे कि आप बता रहे थे कि इन लोगों ने आपको कार भी प्रोवाइड करी है वो उसके बारे में बताइए हाँ वैसे हाउस बिल्डिंग में इधर बहुत सारे बेनिफिट्स हैं ये लोग आ, कार भी प्रोवाइड करते हैं स्पेशली फॉर हाउस बिल्डिंग के पीपल को अगर आपका हाउस बिल्डिंग एक टाइम पे ख़त्म भी हो जाता है फिर भी आप यूज़ कर सकते हो डोंट वरी पर अगर आपके पास लाइसेंस हो तो ही आप ऑब्वियसली ले सकते हो क्योंकि इस इधर लाइसेंस के बिना आप ये कार यूज़ नहीं कर सकते अगर आपके पास लाइसेंस है तो इट्स गुड फॉर यू या ओके सो अंजलि जैसे कि आप आ, आपका हाउस बिल्डिंग मीन्स आपको पढ़ाई भी साथ में करनी है काम भी साथ में करना है हाँ. तो कितने दिन पढ़ाई होते हैं और कितने दिन काम होता है अभी हाउस बिल्डिंग में है ना ऐसा होता है कि अपने सात दिन होते हैं एक वीक में जो पाँच दिन दो दिन हमें ऐसे ही छुट्टी मिलती है जो रूल्स के हिसाब से और दो दिन कॉलेज होती है कॉलेज और तीन दिन इधर ट्रेनिंग होती है दो दिन कॉलेज में हम जो भी इधर ट्रेनिंग में सीखते हैं वो थियरिकल होता है कॉलेज में और जो भी हम थियरिकल सीखते हैं वो इस होटल में हम प्रैक्टिकल सीखते हैं ग्रेट सो मीन्स वन वीक में थ्री डेज प्रैक्टिकल है और टू डेज आपका ट्रेनिंग है yes. और ट्रेनिंग यहां से कितनी दूर है आपका जो स्कूल है uh, ये जो एरिया है ये अपना हिल स्टेशन है और uh, मतलब छोटा एरिया है यहाँ पर ये टूरिस्ट टूरिस्ट प्लेस है पर इतना भी दूर नहीं है कॉलेज फोर्टी फाइव मिनट्स फ्रॉम बस एंड कार ऑलसो और वी कैन से वि कार ओनली हाल फन आर सोन्जली जैसे कि आपका यहाँ पर एकोमोडेशन हो गया कार आपको दे दी पढ़ाई हाँ. करवा रहे हैं ट्रेनिंग कर रहे हैं वॉट अबाउट फूड फूड में ऐसा होता है कि इधर काम बहुत रहता है बहुत ही ज़्यादा रहता है तो आपके टाइमिंग्स भी फ्लेक्सिबल हो गए ऑब्वियसली पर आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कि टाइम ही नहीं है घर पे खाना बनाने का क्योंकि इधर काम बहुत रहता है फिर आप घर आके थक जाओगे तो खाना बनाना भी मुश्किल हो जाता है तो स्पेशली डायमन फूड भी प्रोवाइड करती है अपने पर्सनल मतलब जो इधर वर्क करता है ये लोग के लिए तो एक टाइम गरम खाना अच्छे से आप इधर खा सकते हो और कॉफ़ी टी और कोल्ड uh, ड्रिंक्स आप कभी भी पी सकते हो वो वो सब कुछ फ्री है हमारे लिए राइट right. सो so, जो बच्चे हाउस बिल्डिंग के लिए आना चाहते हैं उनको आप क्या बोलोगी मैं बस इतना चाहूँगी कि अगर आपको होटल मैनेजमेंट में और कम्युनिकेशन में और कोई भी मतलब गेस्ट uh, से रिलेटेड आपको इंटरेस्ट है तो आप मोस्ट वेलकम ये इंटरनेशनल होटल है और आपको सिर्फ जर्मन लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप वो सीख जाते हो तो इधर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स है और आप बहुत कुछ सीख सकते हो क्योंकि ये होटल इतना बड़ा है इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं सो आई कैन से क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है फर्स्ट फर्स्ट ईयर जो मैंने अभी कंप्लीट किया है मेरा सेकंड ईयर अभी स्टार्ट हुआ है एंड आई एम आल्सो वेरी एक्साइटेड व्हाट कम्स नेक्स्ट ओके सो फर्स्ट ईयर में आपको 1100 है सेकंड ईयर में यस सेकंड ईयर में कितना सेकंड ईयर में uh, 12 uh, 100 200 1200 एंड थर्ड ईयर में 1300 ओके एंड व्हाट अबाउट व्हाट अबाउट आफ्टर हाउस बिल्डिंग हाउस बिल्डिंग के बाद क्या ऑप्शंस मिलते हैं स्टूडेंट्स को हाउस हाउस बिल्डिंग के बाद भी बहुत अच्छे चांसेस है इधर अगर आपको इधर काम करना है तो आप मतलब लंबे टाइम का कॉन्ट्रैक्ट भी ये लोगों ये लोग देंगे और अगर आपको इसी फील्ड में अगर वाइटर बिल्डिंग मतलब कि आगे पढ़ाई करनी है इसी लाइन में तो भी आप इधर आगे पढ़ाई कर सकते हो यस yes, उसकी तो मैं आपको गारंटी देता हूँ क्योंकि इनके बॉस से भी मेरी मीटिंग हुई थी मुझे बोला कि अमृत ये हमारे पास ही रहेंगी जब तक इनका रेंटे नहीं आ जाता रेंटे मीन्स यहाँ पे पेंशन नहीं लग जाती तब तक ये उनके पास ही हाँ। रहेंगी सो, सो गाइस मतलब अगर आप मेहनती हो और अगर आप कुछ करना चाहते हो बेस्ट काम करना चाहते हो तो आई थिंक सो हाउस बिल्डिंग इन जर्मनी अगर आपको ब्लॉक अकाउंट नहीं करना है स्टूडेंट को लेग नहीं करना है तो आई थिंक सो हाउस बिल्डिंग इन जर्मनी इज़ द बेस्ट ऑप्शन और हमारे पास ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जर्मनी में जहाँ पर आप अच्छी तरीके से अपना हाउस बिल्डिंग कर सकते हो सो so, अभी हम लोग इनके बॉस से भी बात करेंगे So guys, I have Anjali's boss here, Mr. Andreas Diamond, with me, and he will just let you know what we can provide you here in Germany, especially in this hotel. One minute, please. <laughs> okay, Mr. Andreas. So, what you can offer to the Indian students or any student of the world? Oh yes. Well, welcome to our hotel here in Germany, and uh, yeah, we would like to uh, to have some. Uh, we have some open positions here for yeah ma many people and if you like to come here to germany please call us or call your agent and uh, we are happy to see you here in germany so guys i would like to thank to anjali especially thanks to anjali once again you have given us the time and up wish to do great in your life okay, take you <laughs> a hotel up kudibi nao atitari अपने आपका वन हंड्रेड परसेंट देखे क्योंकि ऐसे होटल में प्लेसमेंट मिलना मतलब बहुत नसीब वाली बात है जहाँ पर yes. आपको गाड़ी भी मिल रही है खाना भी मिल रहा है और बहुत बेसिक रेंट भी आपको देना पड़ रहा है टू थर्टी मुझे अभी भी याद है मैं जब जर्मनी में दो में आया था तभी दो यूरो रेंट दे रहा था और आज ट्वेंटी थर्टी मतलब आज तेरह साल बाद भी दो दे रहे हो इट्स वेरी गुड सो so गईस अगर आप जर्मनी आना चाहते हो डू डो अस बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं ड्यूअलस स्टूडियम के ड्यूअल स्टडी में जिसमें बैचलर्स करना है साथ में काम कर सकते हो हाउस बिल्डिंग में ब्लॉक अकाउंट की जरूरत नहीं है स्टूडेंट को लेकर जरूरत नहीं है तो बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं हमारे पास रिलेटेड टू स्टडिंग एंड वर्किंग इन जर्मनी डू अस सी सोन हियर इन जर्मनी